क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें हमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन है आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बेटा आपको पता है दो नंबर बोल रहे हैं, फाइंड टू नंबर हूज सम इज 27। दो नंबर हमारे पास है जिनका सम कितना दे रखा है 27। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया x, तो सेकंड नंबर क्या होगा बेटा 27 माइनस x, क्योंकि दो नंबर को जोड़ने पे 27 आ रहा है। अगर एक नंबर x है दूसरा क्या हो 27 में से वो नंबर माइनस कर दोगे, ठीक है, दो दोस्तों के पास 10 रुपये हैं, एक दोस्त के पास 2 रुपये है, तो दूसरे के पास ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 8 रुपये। कैसे निकाला, 10 में से 2 को माइनस कर दिया, है कि नहीं। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था आपको पहले के क्वेश्चनों में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख दोगे ऐसे प्रॉपरली लिखोगे एग्जाम में तभी नंबर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ नंबर वो कितना है बेटा 182 है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक एक्स है दूसरा 27 माइनस एक्स, वो कितना है 182। मल्टीप्लाई कर दूँ 27x माइनस के एक्स स्क्वायर 182, माइनस के एक्स स्क्वायर बेटा इस तरह का क्या हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, और प्लस के 27 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 27, और यहाँ तो ऑलरेडी 182 है, ठीक। अब फैक्टराइजेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको आप सॉल्व करो किसी भी मेथड से, है कि नहीं। सो ये बन गया, आप खुद देखो बेटा यहाँ पर कोफिशेंट कुछ नहीं, तो बेटा मैं इसको एक लिख सकता हूँ। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 182, और ऐड करने पे 27, तो वो दो नंबर है बेटा 14 और 13। 14 और 13 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 182 यानी कि 182 आ जाएगा, और ऐड करोगे तो 27 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। सो देखो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूँ मैं, सो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे 14x प्लस के 13x, ठीक है, ऐड करने पे तो बीच में ऐड लगाएं 182, ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों एक पेयर आ गया और यहाँ से एक पेयर आ गया, सो इधर से x कॉमन 14 बचेगा, यहाँ से 13 कॉमन x बचा, बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, और यहाँ पे भी आ जाएगा 14। जो दो बार होता है बेटा उसको हम एक बार निकालते हैं, लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस के 13। इफ़ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 लेना है, तो माइनस के 14 इस तरह के प्लस के 14, और एक बार इसको 0 लेना है इफ़, तो माइनस के 13 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 13। तो दो केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, दो केस। केस वन, इफ एक्स इक्वल्स टू 14, है ना, यानी अगर तुम बेटा तुम एक्स इक्वल टू 14 लोगे, यानी कि तुम्हारा फर्स्ट नंबर एक्स है, ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर, तुम्हारा अगर 14 है तो सेकंड नंबर कितना होगा बेटा, वो 27 माइनस एक्स, 27 में से 14 को माइनस करोगे 13, ये पहले केस में आंसर आएगा। दूसरा क्या है बेटा, इफ़ एक्स इक्वल टू तुम क्या लोगे 13, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 में से तुम्हें 13 माइनस करोगे 14 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही आप के आंसर है, अगर पहला नंबर 14 होगा दूसरा 13 होगा, और पहला नंबर 13 होगा तो दूसरा 14 होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा।